मोदी के 400 पार का नारा देने वाली मोदी सरकार के एक एक करके हरियाणा में स्तंभ गिर रहे हैं। हरियाणा से हिसार से बीजेपी के सांसद रहे ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उन पर कटाक्ष किया। देखिए दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा। से बीजेपी सांसद भाजपा छोड़ चुके हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल आदमी कब ले वो तो उस पर निर्भर करता है। मेरे एक साल से जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे अंत में उन्होंने निर्णय लिया, तो इनकी सोच है जिसके प्रति वो गए हैं और भगवान उनकी सोच को मैं तो ये कहूँगा कि अपना आशीर्वाद दे कि उनने जो कदम उठाया है वो किस सोच के साथ उठाया है और क्या वो आगे करना चाहते हैं। हिसार छोड़ के भागेंगे, हिसार रुकेंगे, सोनीपत भागेंगे, ये तो समय बताएगा। कंडा निकल गया आपका? मेरा तो भैया आज तक कोई कंडा नहीं है ना निकालने की सोच रखने वाला आदमी। 4.5 साल हो गए, 10 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गए, कोई एक आदमी ये बोलता हो कि मैंने राजनीतिक तौर पर उससे द्वेष रखा या राजनीतिक तौर पर उसका नुकसान किया गिनवा दो। आज के दिन तो मेरी एक ही सोच है जो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल के असूलों के साथ जो नायक जनता पार्टी का निर्माण किया था उस सोच को आगे लेकर चलना और उस सोच के अंदर किसान कमेरे को आम नागरिक को कैसे ज़्यादा सुविधाएं दे पाए। हम 4.5 साल में उस पर कामयाब भी रहे और आगे भी इसी सोच को अगले 40 साल 50 साल भगवान करे पार्टी 100-200 साल तक ऐसे ही रहे और ये पार्टी इस विचार को। अगर चौधरी अजय सिंह चौटाला जी कहेंगे चुनाव लड़ ले तो मुझे नहीं लगता हमारी पार्टी का एक भी सिपाही एक कदम पीछे हटेगा। और मैंने तो राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें भी खुलकर कहा था हम पूरी तौर पर तैयार हैं 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए भी और पूरी तौर पर तैयार हैं गठबंधन में लड़ने। गठबंधन की दो दौर की चर्चाएं हुई है, आज हमारी बैठक है उसमें और विस्तार पे चर्चा होगी और आगे भी जैसे गठबंधन की चर्चाएं फाइनल होती है मुझे लगता है मेरे से पहले तो आप लोगों को इनपुट्स आ जाते हैं। एनडीए के